नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टेक्नो अल्फाज। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जियो कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो जियो कस्टमर केयर से अगर आप जो बात करना चाहते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि जियो कस्टमर केयर का नंबर क्या है, दोस्तों कैसे जो है कॉल लगाया जाता है जियो कस्टमर केयर के पास, किस तरीके से आप जो बात कर सकते हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम से वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से छोटी सी रिक्वेस्ट मैं दोस्तों भाई कहते हैं, वीडियो को लाइन तो लेकर चैनल पर चाहूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है कि दोस्तों आप लोग जो डायल पैड को ओपन करेंगे, जैसे कि आप जहां कॉल लगाते हैं इस तरीके से आप जो डायल पैड को ओपन करेंगे, यहां पे जैसे आप नंबर डायल करते हैं इसी तरीके से आपको 198 यानी 198 आपको यहां पे डायल करना है। यहां पे आपको यहां पे कॉल पे क्लिक कर देना है और जियो नंबर से ही आपको यहां पे कॉल लगाना है, ठीक है। कॉल लगाने के बाद वो थोड़ा देर वेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो जो बोलता है सबसे पहले तो आपको सुनना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको सुना भी देता हूं और कहां क्या दबाना है कंप्लीट प्रोसेस मैं बताऊंगा, ठीक है। 6 GB है जो आपके 2.0 GB दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है और ये 24 अक्टूबर 2024 12:42 AM पर रिन्यू होगा। नए ऑफर्स, रिचार्ज और प्लान के लिए 1 दबाएं। अपने वर्तमान सक्रिय प्लान, पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस, प्लान की वैधता और आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित शिकायत के लिए 3 दबाएं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि 3 दबा देना है, ठीक है। यहाँ पर 3 दबा देना है, ठीक है। उपयोग करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि जिस सेल साइट से आप अभी जुड़े हुए हैं उसके द्वारा अनेक यूजर्स इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यह अस्थाई है और हमारी टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अगर आपकी शिकायत उस नंबर के लिए है जिससे आप कॉल कर रहे हैं तो 1 दबाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको 1 दबा देना है, ठीक है। यदि आपको स्लो स्पीड की समस्या आ रही है तो 1 दबाएं। दोस्तों फिर से आपको दोबारा 1 दबा देना है, ठीक है। 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको 9 दबा देना है। जैसे आप 9 दबा देंगे इसके बाद हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं 2 बार दबा दिया हूँ, यहाँ पे आपको 1 बार दबाना है, ठीक है। कॉल के बाद आपका कॉल ऑटोमेटेड सर्वे में ट्रांसफर हो जाएगा। कृपया एडवाइजर से बातचीत के अनुभव को 1 से 5 के बीच रेट करें, जहाँ 1 सबसे कम और 5 सबसे अधिक है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? जी सर, हेल्प यही करना है सर कि मैं जी सर, ओके थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप जो जियो के कस्टमर केयर से आप जो बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर से बड़े अच्छा लगा। तो प्लीज लाइक करो, चैनल पर चाहो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कर दें। तो चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में तब दीजिए। थैंक यू सो मच।